प्रयागराज जनपद के उतरांव थाना क्षेत्र के दुघरा गांव निवासी सैदाबाद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख को फूलपुर से घर जाते समय सलेमपुर गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्व प्रमुख को पूर्व में भी जमीन विवाद में जान मारने की धमकी मिली थी, जिसका मुकदमा दर्ज है। दुघरा गांव निवासी राधेश्याम पटेल भाजपा से सैदाबाद के ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। वर्तमान में घर पर खेती बारी कराते थे। आज रविवार को किसी काम से वे बाइक से अपने चालक के साथ फूलपुर गए थे। बताया जा रहा है कि दोपहर लगभग 1 बजे वे जैसे ही बलीपुर सब्जी मंडी से आगे सलेमपुर गांव हाईवे की सर्विस रोड पर पहुंचे थे कि पीछे से एक बाइक पर सवार दो लोगों ने ओवरटेक करके तमंचा सटाकर उनके पेट में गोली मार दी, जिससे पूर्व ब्लॉक प्रमुख थोड़ी दूर जाकर अपने एक परिचित के घर के सामने गिर पड़े। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश हंडिया की तरफ भाग निकले। इधर हालत नाजुक देख उनका चालक घर आकर वाहन लेकर प्रमुख को बैठाकर अस्पताल स्वरूप रानी भागा। घटना की खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई। घटना को सुन उनके घर गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर थानाध्यक्ष पंकज कुमार त्रिपाठी में फोर्स मौके पर पहुंच घटना की जांच में जुट गए। दिन दहाड़े इस तरह की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। प्रयागराज से एसके सिंह पटेल की रिपोर्ट। तो वही मारे दो लोग मारने वाले ये लोग दो लोग इनके ड्राइवर है। अच्छा, प्रभु जी गोली लगी। आप लोग कैसे घंटा बाद दिनांक 29/9/2024 को थाना उतराव के ग्राम डूबरा के रहने वाले राम प्रसाद पटेल, जो फूलपुर मंडी से अपने घर जा रहे थे बलीपुर सलेमपुर के पास, करीब समय 1 बजे दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा उन्हें गोली मार दी गई, जो उनके पेट में लगी। परिजन व पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें तत्काल चिकित्सा हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर है। मौके का फील्ड यूनिट व उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है। चोटिल द्वारा संदिग्ध लोगों के नाम बताए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।